करेंगे। भीड़ बहुत आ रही है, वार्डों से, नगर पंचायतों से सब लोग निकल करके अपने दोनों महबूब नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय डिंपल यादव जी के स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं। और असली नारी वंदन यहाँ होगा, न कि उस झूठे व्यक्ति द्वारा जिसने अग्नि के समक्ष सात फेरे लेकर के भी अपनी पत्नी को धोखा दिया। और जब इस बीचू के गेट पे हमारी छात्राएं बैठी थी धरने पे, तो यही जो जगह है, यही से रविदास गेट है कि वहाँ से रास्ता बदल करके भाग जाने का काम किया। और आज जब अपनी चुनावी नैया डूबती हुई दिखाई पड़ रही है, तो नारी वंदन का इवेंट कर रहे हैं। आज देखिएगा कि इस जुलूस में नौजवान, गरीब, आम तबके के लोग और सर्व धर्म समभाव के साथ सभी धर्मों के लोग हमारे इस ऐतिहासिक रोड शो में शामिल होकर के इसको ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान। कुंड से लेकर फिर करैया जो संत रविदास जी का मंदिर तक वहाँ तक है, लगभग 4 किलोमीटर का ये पदयात्रा है, रोड शो है। और भीड़ तो बहुत अपार, अभी देखिए आने में कितना समय, भीड़ कितनी खड़ी है। आज जनता में उत्साह है, आम जनता पब्लिक निकल के आई है। आज इसमें देखिए कि इसमें नौजवान कितना है और हमारी महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में आई हैं। और इसमें चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, समान वर्ग के लोग हो, प्रत्येक वर्ग के लोग इसमें आज इस पदयात्रा में भाग ले रहे हैं। पूरा इस मिर्जापुर मंडल हो, बनारस मंडल हो, आजमगढ़ मंडल हो, इस पूरे इस इलाके से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग आज इकट्ठा होकर के रोड शो को सफल बना रहे हैं। क्यों? कि ये जनता इसमें त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, और जो इनकी एंटी इनकम्पेंसी है उसके वजह से पब्लिक काफ़ी त्रस्त है और उनके झूठों वादे से। आने वाले दिनों में ये कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बहुत सफलता लाएगा और हमें उम्मीद है कि आज जो भी पोलिंग हो रही आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पिछले रिकॉर्ड से बहुत कम आएगी, मतलब बीजेपी में बहुत कम, आधा भी सीट नहीं पा पाएगी। और महागठबंधन सफलता की ओर है और इसका कारण है कि राहुल गांधी ने जो पदयात्रा किया, जो न्याय यात्रा किया, राहुल जी जो जिस तरह से मोदी जी ने उनके बारे में कहते हैं कि ये देश के वजीर आजम है।
ऐतिहासिक रोड शो होने जा रहा है डिंपल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में। आप देखेंगे आज सड़कों पर जन सैलाब उतरेगा बनारस का। ये रोड शो दुर्गा मंदिर होते हुए माली प्रतिमा होते हुए रविदास मंदिर पर जाकर समाप्त होगा। दर्शन काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। जब से इन्होंने 400 पार का नारा दिया है, आप उसी के बाद से देखेंगे इनका हश्र क्या हो रहा है। ये तो जनता समय बता के कितने पार जा रहे हैं, लेकिन इनकी नैया डूबने वाली है, पार होने वाले नहीं है। जी आज गठबंधन का जो रैली है प्रियंका गांधी और डिंपल यादव उनके समर्थन में हम लोग सभी वहाँ सेवापुरी से आए हैं। नहीं, वो 400 पार का नारा दे रहे हैं लेकिन उनका सफल नहीं होगा, गठबंधन 400 को पार जाएगा। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो हमारे तो हम लोग जो सभी महिलाएं को सोच है कि राजीव गांधी जी जो हैं राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री बने।